नमस्कार, आज तारीख है 29 दिसंबर 2022 और समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में जानने का चाय की चुस्की के साथ। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चंद्रबाबू नायडू के एक रोड शो में भगदड़ मच गई, जिसके चलते एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान नायडू की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भगदड़ के दौरान सीमेंट की एक रेलिंग तक टूट गई और कई लोग नहर में जा गिरे। भारतीय रेलवे के साथ पंजीकृत लगभग 3 करोड़ यात्रियों का डेटा हैक कर लिया गया है और डार्क वेब पर इसकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है। हैकर्स की ओर से ये दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे का डेटा हैक किए जाने का ये अब तक का सबसे बड़ा कारनामा है। इससे पहले चीन के एक हैकर ने एम्स नई दिल्ली के टेक्निकल सिस्टम्स को हैक कर लिया था, हालांकि बाद में इसे उनके कब्जे से वापस ले लिया गया था। चीन में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए ताइवान ने 1 जनवरी से चीन से लौटने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। अमेरिका में भी 5 जनवरी से चीन से आने वाले सभी यात्रियों की निगरानी की जाएगी। लोगों को नेगेटिव कोरोना टेस्ट, राष्ट्रीयता और वैक्सीनेशन का प्रमाण देना होगा। वहीं जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कल 438 लोगों की मौत हो गई और 2,16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रिलायंस जियो ने 11 शहरों में अपनी ट्रू 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इन शहरों में लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैसूर, नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, खरार और डेरा बस्सी है। इन शहरों के जियो यूजर्स को अब बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा का एक्सपीरियंस मिलेगा। जियो ने इस लॉन्च के बाद कहा कि जब से हमने ट्रू 5G सेवाओं को रोल आउट किया है, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च है। साउथ अफ्रीका में अगले साल होने वाले ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान और ओपनर स्मृति मंधाना उप कप्तान के रूप में दिखेंगी। साथ ही टीम में इंजर्ड पूजा वस्त्राकर की वापसी हुई है और स्नेहा राणा समेत 3 प्लेयर्स को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। साउथ अफ्रीका में 8वें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 10 फरवरी 2023 से होगी। टीम इंडिया टूर्नामेंट के ग्रुप 2 में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के साथ है। भारत का पहला मुकाबला 12 फरवरी को केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए इंडिया TV पॉडकास्ट पर सुबह की चाय और खबरें। कल फिर मुलाकात होगी और हाँ, मात्र 2 दिन बचे हैं नए साल के आगाज में, तो नए साल में एक नया कल ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। इंडिया TV हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।